सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पगारिया 6060 बॉक्स का हार्डवेयर देखेंगे। इसमें जो बोर्ड लगा है वो देखेंगे। हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से इसके चार स्क्रूज निकालेंगे। तो हमने चार स्क्रूज निकाल लिए हैं। अब हम टॉप कवर को धीरे से ऊपर की तरफ थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे और इस तरह ये निकल जाएगा। तो इसमें तीन तरह के बोर्ड है, एक मेन बोर्ड, दूसरा फ्रंट पैनल का बोर्ड और छोटा यूएसबी पोर्ट फ्रंट पैनल का। नेशनल चिपसेट प्रोसेसर वाला बोर्ड है ये, नेशनल गोऑक्सिन GX6605S और ये ट्यूनर है AV2018 जो काफ़ी सेंसिटिव है और ये हीट सिंक लगी हुई है चिपसेट नेशनल प्रोसेसर पर। इसके ट्यूनर की खासियत है कि ये काफ़ी अच्छा है ट्रैकिंग के लिए। ये फ्रंट पैनल बोर्ड और छोटा यूएसबी पोर्ट का बोर्ड है ये फ्रंट पैनल बोर्ड। देख सकते हो फ्लैश आईसी लगी हुई है 8 पिन वाली और ये प्लास्टिक जो पोर्ट है सफ़ेद वाला, ये RS232 डेटा पोर्ट जो है, अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो कंप्यूटर की मदद से तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बॉक्स में RS232 पोर्ट लगाना हो तो वो भी आप तीन वायर जोड़कर एक लगा सकते हो। ये देखिए लिखा हुआ है ग्राउंड TXD मतलब ट्रांसमिशन और RXD रिसीव डेटा, तो ये तीन पॉइंट आपके काम आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। ये जो प्लास्टिक के वो पिन है उसको आप डायरेक्ट एक ये 3.5 mm का जैक लगा सकते हो बॉक्स में कहीं भी पीछे की तरफ या कहीं भी आप जहाँ चाहो या वहाँ, और तीन वायर से RS232 पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपका रेडीमेड जो ये है RS232 हो जाए। 3.5 mm की पिन जो ईयरफोन में हम इस्तेमाल करते हैं सेम उसी तरह की लग जाएगी। पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको नेट पर कोई भी सर्किट डायग्राम में मिल जाएगा। तो इस तरह से पगारिया 6060 बॉक्स डायग्राम में मिल जाएगा। तो इस तरह से ही पगारिया 6060 बॉक्स